काफी कुछ हम पढ़ते हैं यू नो वेदर व्हेन वी आर अगेन देयर मिसकंसेप्शंस मिथ्स, सो कैन यू हेल्प अस क्लियर दैट। जैसे कहीं मैं पढ़ रही थी कि वैक्सीन क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है, ये भी मैंने कहीं पढ़ा कि कंफ्यूजन है कि वैक्सीन शायद इनफर्टिलिटी दे, तो काफी लोग रूरल इंडिया में वैक्सीन नहीं ले रहे। सो कैन यू जस्ट हेल्प आवर ऑडियंस यू नो द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड दैट यू नो लाइक देयर सो मेनी मिथ्स, इफ यू कैन हेल्प क्लैरिफाई फ्यू ऑफ दीस प्लीज। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अंबिका, दैट क्या वैक्सीन से क्लॉट्स हो सकते हैं या क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। पर्टिकुलरली ये एक लोगों में धारणा बन चुकी है कि ये थ्रोम्बोटिक डिजीज है, COVID-19, या इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, या इसकी वजह से बेसिकली हमारा इम्यून मैकेनिज्म डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। परंतु ये सोचने की बात है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि COVID-19 वैक्सीन लेने से मेंस्ट्रुएशन का कोई भी संबंध नहीं है, चाहे वो ज्यादा मात्रा में आए या कम मात्रा में आए, उसका COVID-19 से कोई संबंध नहीं। सिमिलरली क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स का, क्लॉट का बनना भी इससे कोई भी संबंध नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें और बेफिक्र होके ही COVID-19 का आपने जो भी वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवाएं, तो इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्योंकि ये जो धारणाएं हैं इसको बहुत जल्दी हमें दूर करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने अमेरिका बहुत करेक्टली पूछी कि उनको लगता है कि बेसिकली हमें ऐसे ना हो कि बांझपन हो जाए या इनफर्टिलिटी हो जाए। तो अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें, बेसिकली इनफर्टिलिटी कैसे होगी? इनफर्टिलिटी या तो कोई बेसिकली हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम वुमेन में है कि ओवम बनने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, या बेसिकली मेन में कोई प्रॉब्लम है, उसके पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, या तो बच्चा ना होना, या एक या बच्चे के होने के बाद में दूसरा बच्चा बहुत समय तक नहीं होना, जिसको कि हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो इसका इससे COVID-19 वैक्सीनेशन का कोई लेना देना ही नहीं है, ये बात बिल्कुल ही लोगों को दिमाग से निकाल देनी चाहिए। और तीसरी चीज, ये भी बहुत गलत धारणा है कि क्या बेसिकली हमारा COVID-19 वैक्सीनेशन को लेने के बाद में क्या हमारा इम्यून मैकेनिज्म तो नहीं कम हो जाएगा या सप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी बॉडी में, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा कमजोरी आ जाएगी, और उसकी वजह से हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे भी असर पड़ेगा, पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा। तो क्या जरूरत है कि हमें अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करने की? तो इस तरह से लोग ये नहीं समझते कि अगर उनको आज की तारीख में वैक्सीनेशन ना लेने की वजह से अगर COVID-19 की बीमारी हो जाती है या कोविड हो जाता है, तो बेसिकली आप देखें कि उसकी वजह से कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। चाहे वो कोई भी सिस्टम आप ले लीजिए, सिर से लेकर पैर तक, आप हेडेक से लेके मेंटल डिसऑर्डर से लेके डिप्रेशन से लेके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से लेके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से लेके, या बेसिकली हमारे जॉइंट में पेन्स होना वगैरह, आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, अबडोमिनल सिस्टम, डायरिया, डायरियल डिजीजेस एंड ऑल, ये केवल बीमारी तक ही नहीं रहता बल्कि पोस्ट कोविड फेज में भी रहता है, अगर हम COVID-19 की या कोविड इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि पर्टिकुलरली आज की तारीख में तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आज की नारी को बहुत ही स्वस्थ रहने की जरूरत है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड भी है अफेक्टेड भी है। ये मैं क्यों कहती हूँ, इन्फेक्शन तो उसको चाहे वो किसी के कांटेक्ट में आती है, संपर्क में आती है, तो जरूर इन्फेक्शन हो सकता है, परंतु अफेक्टेड क्यों है, क्योंकि उसको बाकी बीमार रहते हुए भी बाकी फैमिली मेंबर्स की भी देखभाल करनी पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे कि जब से COVID-19 का सिनेरियो आया है, हमारी बहुत सारी वुमेन की जॉब्स भी चली गई हैं, क्योंकि वो टेक सेवी नहीं है, वो बेसिकली टेलीकम्युटेबल जॉब्स में नहीं ऑक्यूपाई हो पाई है करके। तो इस तरीके से, और या वो अस्पताल में अगर नौकरी भी करती है नर्स के फॉर्म में, तो वो अगर उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आते भी हैं, तो पर्टिकुलरली वो अपनी जो हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसको भी वो चेंज नहीं कर पाती है। तो जेंडर पर्सपेक्टिव जो है बहुत ज्यादा विमेन को अफेक्ट करता है विद रिगार्ड टू COVID-19। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करें कि आज अगर हमारे 57 या 57 आदमी ले रहे हैं, तो उसके कंपैरिजन में 43 औरतें ही केवल वैक्सीनेशन ले रही हैं, और धीरे धीरे ये गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम रूरल एरियाज की तरफ या ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस जब बढ़ता जा रहा है, तो हमें यहाँ पे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को, पैरामेडिकल वर्कर्स को, आके डॉक्टर्स को जो भी अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे वो मैं कहती हूँ कि रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, हमारे ट्राइबल एरियाज,
अर्बन एरियाज में भी, ये नहीं कि मिथ्स और मिसकंसेप्शंस केवल हमारे ग्रामीण एरिया में भी है। कई बार मैं तो ये कहती हूँ कि कई बार ग्रामीण एरिया की औरतें बहुत समझदार होती हैं, और ये मिस एंड मिसकंसेप्शन आपको इनकम्प्लीट नॉलेज से भी आती है। वो आधी अधूरी पढ़ाई जो है वो ज्यादा डेंजरस होती है। तो यहाँ पे हमें हर तबके को एजुकेट करने की जरूरत है कि आगे आए और अपना वैक्सीनेशन लगवाएं, और अपने को ही नहीं, अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, सबको लगवाएं वैक्सीनेशन जो कि एलिजिबल एज में आती है, यानी कि 18 साल से ऊपर की। आज की तारीख में हम उन्हीं को लगा रहे हैं, तो उनको जरूर वैक्सीन लगाएं और कोई भी भेदभाव ना करें।